17 बिना किसी नुकसान। पिछले ओवर ने आपने एक सवाल पूछा था कि मैं क्या नसीहत दूंगा बंगाल टाइगर्स को, यही कहूंगा मारो। गेंद दिखे ऐसे, संपर्क सही होना चाहिए और इस ग्राउंड पे हमने देखा है कि रन बनते हैं, चौके छक्के लगते हैं इस ग्राउंड पर। यू कांट से एनीथिंग। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर अच्छी गेंद, थोड़ी सी उछाल भी थी इसमें, ज्यादा कुछ नहीं कर पाए इंद्राशीष। लेकिन बंगाल टाइगर्स के लिए शायद सबसे बड़ी चीज कि फिलहाल तीसरे ओवर में एक भी विकेट का पतन नहीं हुआ, यानी नींव अगर मजबूत बना सके तो शायद बाद में थोड़े से जोखिम उठाए जा सकते हैं। लेकिन सवाल वही है कि उनके टीम में कौन सा बल्लेबाज है जो पूरे 20 ओवर खेलने की काबिलियत रखे। और who has the ability to hit sixes like Rajiv did? That's a good delivery. Bowled at a decent pace. He's a slippery customer. प्रदीप जो एक अच्छे गेंदबाज भी है, एक हरफन मौला खिलाड़ी है। लेकिन इस शॉट में बिल्कुल साफ था, आप देख सकते थे रीप्ले पे कि सारे स्टंप्स भी दिखाई दे रहे थे, यानी बिल्कुल लेग साइड को मिस कर जाती। ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं @CCL। बताइए खासकर राजीव के इस पारी के बारे में आप क्या कहेंगे, हालांकि जरूर हमारी तरह आप भी शायद फिलहाल शब्दों के लिए थोड़े से लॉस्ट हों। एक और बढ़िया गेंद, इजीली बीटन बाय पेस। फिलहाल ये पिच चिन्नास्वामी का कम और किंग्समीड डर्बन का ज्यादा लग रहा है, जिस तरीके से बीट हो रहे हैं, बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए प्रदीप। एक्शन इज, हैव अ लुक एट दैट एक्शन, इट्स फैंटास्टिक, लुक्स लाइक अ प्रॉपर बॉलर। द लोडिंग इज गुड, द डिलीवरी स्ट्राइड इज गुड। Atul Vasana, co-commentator, he will be happy with that action. He was a fast bowler himself. Ah, that's a full toss. A little over the waist high. He's got hit. He has got hit. Ah, that's painful. That's really painful, I'll tell you. Good hug given by Sudeep to Jishu, the Bengal Tiger skipper. He's on the ground, a little bit concerned about his teammate. This game is played in good spirits. Sudeep has been really animated, isn't it? When he is emotionally charged captain. और जब बड़े शॉट्स लग रहे थे हर रीप्ले पे हमने देखा हाई फाइव्स का नाम सुना है, लेकिन वो शायद हाई 25s या 125s कर रहे थे। लगभग जितने भी आसपास इर्द गिर्द इंसान हो, बच्चे हो, बच्चियां हो या कोई भी हो, सबके साथ हाई फाइव्स। बेहतरीन एक जज्बा दिखाई दिया आज कर्नाटका बुलडोजर्स में। ये एक ऐसी टीम है जो इस बार फिर से सीसीएल टाइटल को जीतना चाहती है और उसके लिए आज एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने किया है। सक्षम टीम मैं कहूंगा कर्नाटका बुलडोजर्स, सारे डिपार्टमेंट अच्छे से कवर है, बल्लेबाजी कहे, फास्ट बॉलिंग कहे। स्पिनर्स मैंने देखे नहीं है अभी तक, पर मेरे ख्याल से उस डिपार्टमेंट में भी काफ़ी कवर्ड होंगे। ये देखिए, हम अगर एक्शन की बात करें प्रदीप की, बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाज दिखाई दे रहे। बहुत उम्दा ओवर रहा है ये, इसमें सिर्फ 3 रन गए हैं जिसमें से एक वाइड था, एक नो बॉल का, उसके अलावा बस 1 रन। बेहतरीन बेहतरीन बॉलिंग और इनके एक्शन से बहुत इंप्रेस हुए अमोल।
Action is really good. Technically very correct. Comes up straight on. Runs in quite well. His arms not going too much away. Loading is good. And then the full throttle. The follow through being good as well. This time he strays down the leg side. When he gathers it, that's the time when he loads himself into that delivery. He puts in all his effort. He knows that sirf char over karne hai. और चूंकि यहाँ पे यार रिक्वायर्ड रन रेट में इजाफा लगातार होता जा रहा है, इसी वजह से पिछली गेंद पे हमने देखा था जॉय थोड़ी सी चहलकदमी कर रहे थे. यहाँ पे कुछ अलग करना पड़ेगा. यहाँ पे लेग साइड पे खेला जरूर है, लेकिन वहां पे चार रन मिलेंगे. ओवर की समाप्ति लेग बाइस के साथ 25 बिना किसी नुकसान के. तीन ओवर में 25 रन बन चुके हैं. रिक्वायर्ड रन रेट पे नजर डालिए, 13.59, यानी लगभग हर ओवर में कम से कम दो चौके तो जरूरी हैं. ये क्या खा रहे हैं यहाँ पर ध्रुव? तीन ही ओवर डाल चुके हैं. शायद ट्रिपल एक्स एनर्जी ड्रिंक और उसके साथ साथ पार्ले 2020 कुकीज. पर आज के मैच में पूरी एनर्जी आई है राजीव की पारी से, और उसके बाद एक जैसा थोड़ा सा एंटी क्लाइमैक्स किसी भी फिल्म में भी होता है, एक बड़ा जब इमोशनल सीन हो उसके बाद वाले सीन थोड़े से ढीले जरूर नजर आते हैं, वैसा ही नजर आ रहा है. हालांकि बंगाल टाइगर्स की शुरुआत अच्छी रही है. बिल्कुल अच्छी, 25 पे बिना किसी नुकसान तीन ओवर के बाद काफी अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा. और इसी की जरूरत है उनको, अगर इनको ये रन चेस करने हैं तो फाउंडेशन ले करना पड़ेगा. देयर इज अनदर फाउंडेशन देयर, बिग ब्रदर फाउंडेशन डोनेट्स ₹1,000 फॉर एवरी रन दैट इज बीन स्कोर्ड इन CCL 2015. इन द एयर पर एक बाउंस, लॉन्ग ऑन फील्डर मौजूद, वहां पर एक ही रन मिलेगा. 12th मैन के तरह वहां पे मौजूद थे सुनील राव, लेकिन कर्नाटका बुलडोजर्स के जितने भी फैंस हैं उनके लिए आज तो बहुत बहुत अच्छा समा बंधा है. अच्छी क्राउड के सामने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी, 255 रन, पिछले मैच में 240 रन बनाए थे, यानी कुल मिला के 495 रन 40 ओवर्स में इस संस्करण में बना चुकी है डिफेंडिंग चैंपियंस कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम. अच्छी शुरुआत, करंट रन रेट 8 रन प्रति ओवर पर. एक नजर डालिए यहां पर रिक्वायर्ड रन रेट पर, 13 रन के ऊपर से चाहिए उनको. एक और प्लेन में सबर, इस बार वाइड करार दिया. थोड़े से सरप्राइज थे यहां पर, एक और बार देखना पड़ेगा. वो ये देखिए, थोड़ी सी अंदर से चली गई वो वाइड की जो लाइन है आउटसाइड ऑफ स्टंप, पर इस बार उठा दिया है फील्डर मौजूद. एक अच्छा कैच लॉन्ग ऑन पे, पहला झटका बंगाल टाइगर्स का. सुनील राव सब्स्टिट्यूट फील्डर ने आसान सा कैच लिया, अच्छी तरह से जज किया था और आखिरकार बंगाल टाइगर्स का पहला विकेट यहां पे गिरा है. और पहले खिलाड़ी जो आउट हुए हैं वो हैं जॉय.
ध्रुव को फिर से मारने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पे लॉन्ग ऑन के फील्डर बहुत आसानी से उन्होंने इस गिफ्ट को कबूल किया। समर्थन खुश, क्राउड भी खुश, हम भी खुश। जॉय आउट 9 पे, बंगाल टाइगर्स 29 पे 1। ध्रुव को मिली है इस पारी की पहली सफलता कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए, और पावर प्लेज के अंदर विकेट लेना बहुत बहुत जरूरी, और उसी का भरपूर फायदा उठाते हुए जॉय को आउट किया था। इंद्राशीष अभी भी मौजूद हैं, सिर्फ 6 रन ही बना पाए, यानी बिल्कुल कोई मोमेंटम नहीं आ पाई है इस पारी में। और दूसरी ओर कप्तान जिशु नंबर 3 पे, फिर से थोड़ी सी मिस टाइमिंग, ओवर की समाप्ति, एक बेहतरीन ओवर यहां पे ध्रुव की 29 पे 1।